पूनम मिश्रा रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाना बताएंगे अरबी के पत्ते की पकौड़ी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बारिश के मौसम में अब इसका आनंद भी आएगा दोस्तों खाने में। तो आइए इसकी सामग्री देख लेते हैं, क्या क्या पड़ेगा इसमें। ये लाल मिर्च का पाउडर है आधा चम्मच, ये जीरा और काली मिर्च है, ये 8-10 छीला हुआ लहसुन, 3-4 हरी मिर्च है, 2 चम्मच चावल का आटा, 4 चम्मच बेसन, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच अमचूर। ये है अरबी का पत्ता, जिसे हम फाइन चॉप कर लेंगे, इसके बाद दिखाते हैं दोस्तों। फाइन काट लेते हैं, फिर इसमें सारी सामग्री मिलाते हैं। पत्ते भी 12-13 पत्ते ही थे, छोटे छोटे साइज में ही। इसे काट, इसे महीन महीन काट लें। देखिए हमने इसे महीन महीन काट लिया। अब इसमें हम सारी सामग्री मिला लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। अब इसमें हम डाल देते हैं इसकी सामग्री, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच ही नमक, 1 चम्मच चावल का पिसा हुआ आटा, 1/2 चम्मच अमचूर, क्योंकि ये गला भी काट सकता है इसलिए अमचूर ज़रूर डाल दें, 1/2 चम्मच लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालें, और इसे हम पीस कर डालेंगे लहसुन मिर्चा जीरा मिर्च। अब इसमें हम 3-4 चम्मच बेसन डाल देते हैं, बस, और इसे पीस लेते हैं। जीरा काली मिर्च डाल दिए हैं, अब लहसुन हरा मिर्चा भी डाल देते हैं, और इसका हम फाइन पेस्ट बना लेते हैं थोड़ा सा पानी डालकर लिया है, उसको पत्ते में मिक्स करते हैं। अब पकौड़ी बनाते हैं हम इसमें पानी थोड़ा सा लेकर। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें सारी सामग्री पड़ गई है, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसे तलते हुए दिखाते हैं आपको। तेल डाल देते हैं तलने के लिए, इसके बाद पकौड़ी तलते हैं करारी कुरकुरी। चलिए अब तेल गर्म हो गया, अब इसमें हम छोटी छोटी पकौड़ियाँ डाल देते हैं और धीरे धीरे इसको मीडियम आंच पर होने देंगे। इसमें अमचूर ज़रूर डाल दें, अमचूर ना हो तो आप नींबू डाल दें, क्योंकि ये अरबी का पत्ता है, गला भी काट सकता है, लेकिन पकौड़ियाँ इसकी बहुत अच्छी होती हैं, एकदम कुरकुरी। इसको एक बार ज़रूर बना कर देखें। आइए अब हम इसे धीरे धीरे पलट लेते हैं, एक तरफ से सीख चुकी है पकौड़ी, अब इसे पलट देते हैं आराम से। देखिए हमारी पकौड़ी कितनी अच्छी और गोल्डन ब्राउन हो गई है, और अब हम इसे निकाल लेते हैं ऐसे ही। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं, पकौड़ी एकदम अच्छे से तल चुकी है, बना ली है, और अब इसे आपके सामने रख दिए हैं, और आप देखिए कैसी बनी है। और आप भी बरसात में बनाकर पकौड़ियों का आनंद लीजिए, और करारी क्रिस्पी पकौड़ी है, इसे ज़रूर बनाकर एक बार ट्राई करिए और बताइए कैसा बना है। थैंक यू।